हाँ भाई, तो कैसे हो सभी। चलो फिर शुरू से शुरू करते हैं कुड़ी चमकीली से। तो आज उसका टीजर आ चुका है, आई थिंक आप सभी ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जाके चेक करना, बट इस वीडियो के बाद में। बाकी कल अपन को फुल ट्रैक देखने को मिल जाएगा प्ले DMF के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, और मे भी 12:30 बजे तक आ सकता है। और इसके अलावा 20 तारीख को इसका लाइव कॉन्सर्ट भी होने वाला है CU में। तो जो भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से है तो जाके चेक करना शाम को 5:30 बजे हनी पाजी, अक्षय कुमार पाजी और डायना पेंडी के साथ में ये ग्रैंड लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा ये जो ट्रैक है भाई, मूवी का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये बेसिकली एक प्रमोशनल ट्रैक है। टीजर में साफ साफ मेंशन करा गया है, और इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी बस हनी पाजी को ही मिलती है। बाकी ट्रैक में जो म्यूजिक सुना उससे रेट्रो वाइब आ रही है, 90s का टच होगा। आपको भी लगा तो कमेंट में बता दो। आगे बात करते हैं तो बादशाह भाई का एक इंटरव्यू निकला है, पहले देख लो। व्हाटएवर हैपेंड विद यू एंड हनी सिंह, आई फील लाइक आई सी बहुत लोगों को बड़ी सारी चीजें लगती है, बट बहुत लोगों को शायद ये नहीं पता कि मैंने 6 साल की दोस्ती खोई थी, जिसकी वजह से शायद इतना हर्ट है, राइट, या जिसकी वजह से शायद इतना खराब स्पेस है। तो बहुत लोगों को ये रियलाइज नहीं होता, वो नहीं देखते कि यार कि 6 साल की दोस्ती में उन्होंने क्या मचाया होगा, क्या लाइफ जी होगी, और उस उम्र में जब वो बड़े हो रहे हैं इकट्ठे, इकट्ठे म्यूजिक बना रहे हैं, इकट्ठे म्यूजिक बना रहे हैं, इकट्ठे डिस्कवर कर रहे हैं लाइफ, अपना यूथ डिस्कवर कर रहे हैं, और एक हाई पे है कि यार हम तो ऐसी हम तो छा जाएंगे दुनिया में, मतलब उस पे कि हम जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा। तो लोग वो नहीं देखते, लोगों को कुछ और ही दिखता है, इसने इसका फायदा उठाया, इसने इसका फायदा उठाया, इसलिए इनकी वो है। नहीं यार, क्या है, सब अच्छा कर रहे हैं आज के डेट में, और सब वो करेंगे जो उन्होंने करना है। बाकी इंटरव्यू देख के क्या ही बोले भाई, क्या स्टेटमेंट दे, बस इतना ही बोलेंगे कि बादशाह भाई एक नंबर के दोगला हैं, इनके दो फेस है आगे और पीछे। इंटरव्यूज में हमेशा इमोशनली बात करते हैं हनी पाजी के बारे में, और दूसरी साइड स्टोरीज के थ्रू और अपने ट्रैक्स के थ्रू पोक करते हैं। काश अगर ये रियल होते तो अभी तक योयो आर्मी भी फुल सपोर्ट करती, हेट ना करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। चलो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ट्रू फैन हनी पाजी के, उन्हीं के बारे में यहाँ पे डेली बातचीत होती है, एंड ऑल्सो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। एनीवेज आगे बात करते हैं तो हनी पाजी और टी सीरीज का जो भी रिलेशन था भाई वो खत्म हो चुका है, एकदम कन्फर्म है। बिकॉज आज हनी पाजी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी थी अपनी एल्बम से रिलेटेड, प्राउडली अनाउंसिंग दैट माई एल्बम हनी 3.0 इज रिलीजिंग ऑन जी म्यूजिक कंपनी वेरी सून, कीप सपोर्टिंग एंड ब्लेसिंग, कीप इट लॉक। तो फाइनली खुश हो जाओ यार, हनी पाजी की जो एल्बम है एक बहुत बड़े लेवल से आने वाली है, जी म्यूजिक कंपनी बहुत बड़ा लेवल है, और टी सीरीज को भाई सामने से टक्कर देता है खड़े होके। बस इतना है, ये लोग अच्छे खासे तगड़ा प्रमोशन कर दें तो मजा आ जाए, अगर प्रमोशन नहीं करा तो फिर दिक्कत है। बाकी बस यार, आज के लिए इतनी अपडेट्स थी। वीडियो अगर सही लगी तो रसम निभा दो, लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब ये सब कर देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।